और भाई लोग क्या हाल है? कैसे हो तुम सब यार? आई होप बढ़िया ही होगे। तो यार अभी लखनऊ में क्या हुआ तुम सबको तो पता ही है यार, कैसे एक लड़की ने लड़की होने का भाई फायदा उठाया बढ़िया, एक इनोसेंट से बंदे को 21 थप्पड़ जड़ दिए रोड पर और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलने लगी। वाह भाई वाह। खैर सोशल मीडिया पर सच्चाई सामने आ गई थी, लोगों को पता चल गया क्या हुआ क्या नहीं। यार देखो हम लड़कों की ना कोई इज्जत है नहीं ऐसा, ठीक है? हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो नो वन गिव्स अ फक, लड़का ही तो है सब संभाल लेगा, इसको क्या हो सकता है भाई, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यही तो दिक्कत है जिसका फ़ायदा उठाकर कुछ लड़कियां झूठा केस बनाती हैं और फेम पाती हैं और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं भाई, ख़त्म, टाटा बाय बाय ख़त्म। और ये कोई नया केस नहीं है भाई, ऐसे हज़ारों केस हैं इंडिया में। अब लखनऊ वाले केस में या अदर केसेस की बात करें तो उसमें एक चीज़ कॉमन है यार, मैंने ये नोटिस किया उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है सोशल मीडिया पर फेम पाना। बिकॉज तुम ध्यान देना, जब ये लड़कियाँ कुछ करती हैं उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर सब कुछ डालती हैं, फेक सिनारियोज बनाकर फिर लोगों को फेक सिनारियो बनाकर सब कुछ डालती हैं, फिर लोग उनको फॉलो कर देते हैं, मीडिया वाले प्रॉपर अटेंशन दे के हीरोइन बना देते हैं उनको। और जब सब कुछ शांत हो जाता है ना तब ये एक इन्फ्लुएंसर बन जाती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आता जाता कुछ नहीं है इनको, ना इन्होंने समाज के लिए कुछ किया है ना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ किया है, बस ये इन्फ्लुएंसर बन जाएंगी, फेमिनिस्टों की फेवरेट हो जाएंगी। तो खैर क्या ही कहें यार, मतलब तुम देख लो ना, सरबजीत वाला केस देख लो, जोमेटो वाला वो लड़की वाला केस देख लो, ये लखनऊ वाला केस देख लो, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है यार, देखो कहीं ना कहीं इंडिया में फेमिनिज्म की और वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत तो है, लेकिन अब फेमिनिज्म का एक अलग मतलब डिराइव कर लिया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें मेन को हेट करना, उनको गाली देना, उनको नीचा दिखाना और हर छोटी बात पर सोशल मीडिया पर आकर हगना भी शामिल है इन सब बातों में। ठीक है सी, एज अ बॉय यार अब मेरे को हमेशा डर लगा था, एज अ बॉय सबको अब हमेशा डर लगा रहता भाई, कोई रोड पर चलते हुए कोई लड़की मार ना दे, मैं कुछ ना करूँ फिर भी मार दे और सोशल मीडिया पर जाके बोल दे मैंने ये किया मैंने वो किया। भाई आखिरकार मेरी भी फैमिली है, मेरी भी इज्जत है, सबकी है। ठीक है अब देखो ये कब खत्म होगा या कैसे खत्म होगा मेरे को तो नहीं पता यार, लेकिन अब मैंने क्या सोचा ना, मतलब तुम लोग बताओ कि खुद की सेफ्टी के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो भाई। अब सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी ना भाई, है ना? तो खुद की सेफ्टी के लिए ना, खासकर जो लोग बाइक चलाते हैं, बाइक से कहीं आते जाते हैं या साइकिल से जाते जाते हैं या कार वाले हैं, तो वो लोग ना एक्शन कैमरा और डैश कैमरा का यूज करें। ठीक है, एक्शन कैमरा जो हेलमेट पर माउंट है, जैसे ये मेरे, मैं अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाइक राइड कर रहा हूँ, तो ये राइड मेरे हेलमेट पर कैमरा लगा उससे हो रहा है, साइकिल के हैंडल पर माउंट हो सकता है एक्शन कैमरा, और आजकल कार के लिए हमेशा से डैश कैम आता है, तुम कार के लिए डैश कैम यूज कर सकते हो। ठीक है देखो यार, इस वीडियो से ना मैं ऐसा नहीं कि मैं सारी लड़कियों को हेट कर रहा हूँ यार, ठीक है, मैं उन स्पेसिफिक लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनकी सोच समाज में न्यूनतम स्तर पर पहुँच चुकी है, जो फेम पाने के लिए और खुद को समाज में एक सेलिब्रिटी बनाने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं। ठीक है यार, चलो यार ठीक है, मेरे को यही बोलना था, चलो मिलते हैं तुम लोगों से जल्दी।